हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 14, न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स के। आपके एग्ज़ाम्स हैं, 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी आपके न्यूमेरिकल्स डाल दूँ। वही चैप्टर्स डालूंगा जो आप कर लोगे। तो आपके असल में करने होते हैं आपने लॉन्ग में 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप कर लो ना, 1 चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, वो चैप्टर 11, 12, 13, 14 के न्यूमेरिकल्स तो बहुत है। 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, हर न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होगा। आप आराम से पहले 2 क्वेश्चंस करके कर सकते हो। ठीक है, तो किस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता देंगे कौन से चैप्टर आप कर लो, तो आप आसानी से पूरे पूरे नंबर ले सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा सीखा जाए, थोड़ा सीखा जाए, क्वालिटी का सीखा जाए, और जो जो कहेंगे वही आएगा, आपका 100% पेपर अटैम्प्ट होगा। तो 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स के। ठीक है, क्लास 10 है। तो क्या है जी पहला न्यूमेरिकल? अ करंट ऑफ 3 mA। करंट को किससे डिनोट करते हैं? पहली दफ़ा सारा इंट्रोडक्शन में लिख दूंगा कि करंट को लिखते हैं आई से। ठीक है, आइंदा सिर्फ आई ही लिखेंगे। करंट आई से एम्पेयर डिनोट होता है, और इसके दिया हुआ 3 mA। कितना दिया हुआ है? 3 mA। ठीक है, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या जी? इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ 1 मिनट, अ वायर फॉर 1 मिनट। टाइम कितना दिया जी? टाइम दिया जी 1 मिनट। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? चार्ज आपने फाइंड करना। चार्ज ये लो, चार्ज को लिखते हैं क्यू से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। टाइम को मैंने बस टी लिख दिया, आप इसको खुद से पहचान जाना है कि टाइम को टी से लिखते हैं। ठीक है, चलो जी। करंट क्या है? 3 mA है, तो आई को हमने कन्वर्ट करना है किस में? एम्पेयर्स में। ठीक है, तो क्या आएगा? मिली का मतलब 3 × 10⁻³ - 3 एम्पेयर। ठीक है, टाइम दिया 1 मिनट, तो कितने सेकेंड रहेंगे 1 मिनट में? 1 × 60 = 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये बात। अब आपको पता है कि जो बेसिक फॉर्मूला ना आई का होता है चार्ज ओवर टाइम। क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, या क्यू इज इक्वल टू आई टी भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आई इधर क्या फाइंड करना है? क्यू। तो क्यू विल बी इक्वल टू, ये टी इधर मल्टीप्लाई होता है, जा क्या करेगा? मल्टीप्लाई देगा। ठीक है जी, समझ बात की? तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। बोर्ड दे देंगे, क्या हो गया इसको। चलो अब देखो जी, किसकी वैल्यू लगानी है आपने? आपने वैल्यू लगानी है आई की। आई की वैल्यू क्या है जी आपके पास? वो है 3 × 10⁻³ - 3। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 3 × 10⁻³ - 3। टाइम की वैल्यू लगानी है, वो कितनी है जी? 60। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना रहेगा? 180 × 10⁻³ - 3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? क्या इसको बोलते हैं, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम्स। सी लिख दो। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 180 ये जो 10⁻³ - 3 है, इसको मिली भी लिख सकते हैं, MC मिली कूलम। ठीक है, ये बात। अब देखते हैं बुक में क्या आंसर दिया हुआ, फिर उसके मुताबिक इसको कर देते हैं। याद ही रहा आंसर, शुरू में लिख देते तो अच्छी चीज़ थी। उन्होंने दिया हो जो आपके पास 180 × 10⁻³ - 3 कूलम, उन्होंने ये वाला आंसर दिया हुआ। ठीक है, ये बात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था। क्या लिखा हुआ था? अ करंट ऑफ 3 mA। करंट को किससे नोट करते हैं? आई से। कितना है? 3 mA है। तो मैंने क्या किया? आई इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ - 3 एम्पेयर लिख दिया। टाइम दिया हुआ था फ्लोइंग फॉर 1 मिनट। ठीक है, तो टाइम 1 मिनट था, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। आपने चार्ज फाइंड करना था क्यू। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इजिकल टू क्यू ओवर टी, तो क्यू इजिकल टू ये टी डिवाइड हो रहा था, तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आपने क्यू इजिकल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी करके, तो उसको मल्टीप्लाई करके तो आंसर लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट इसका कितना 14.2। इसको उधर रब करना पड़ेगा, 1 सेकेंड देना, जल्दी से कपड़े से रब कर देंगे। ठीक है, उसका ये होगा कि जरा स्पीड से हो जाता है। उसके बाद इसका करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हो गया 14.1। अभी हम कौन सा करेंगे? 14.2। ठीक है, कोशिश है मेरी कि आपको आसान आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स करा दूं। ठीक है, ये जो बीच में गाइड्स में या इधर उधर कुछ अकेडमीज ने भी बड़ी डिटेल में यूनिट शूनिट लिख के किए होते ना, वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर दोगे तो आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्या लिखा हुआ जी इधर? इधर लिखा हुआ जी
अच्छा जी, 14.2 एट 100,000 ओहम। ये ओहम में क्या आता है? रेजिस्टेंस, ठीक है, एट 1,000 ओहम। तो रेजिस्टेंस लिख लो 1,000 ओहम, ये क्या आता है? ओहम का सिंबल है, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस होती है, क्या आती है? रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो यूनिट है ना, इसको क्या बोलते हैं? ओम्स, ठीक है, क्लियर बात। आगे जी, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। आप तो लगे जाओगे, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। चलो जी, वोल्ट कितना जी? 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी है, तो उसको आपने टच कर लिया। तो उन्होंने पूछा हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू, लखोल करंट आपके अंदर से कितना जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो बोला इफ योर स्किन इज वेट, ठीक है, अगर तो ये आपकी ड्राई बॉडी है, तो आपने बैटरी के टर्मिनल्स प्लस और माइनस को टच कर लिया, तो आपके अंदर से कितना करंट जाएगा। दूसरी दफा जो बात कर रहा है ना, वो कर रहा है इफ योर बॉडी इज वेट द रेजिस्टेंस, ठीक है, इज ओनली 1,000 ओम। अब जो आर वन है ये है, ठीक है, जो आई वन है वो हमने फाइंड करना है। अब आर टू जब आपकी बॉडी वेट होगी, तो आपकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, 100 टाइम्स कम हो जाएगी। ये 100,000 एम्पेयर है और ये सिर्फ, ओ सॉरी, 100,000 ओहम है और ये सिर्फ क्या है? 1,000 ओहम है। ये जो यूनिट है इसको ओहम कहते हैं। ये थोड़ा सा मेरे से बना नहीं सही, चलो ऐसा करके बना लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या जी? हाउ मच करंट वुड रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। वोल्टेज इसकी सेम है जी, 12 वोल्ट की, ठीक है, सेम बैटरी तो वोल्टेज सेम रहेगी और करंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है इसके आंसर नहीं लिख रहे, फिर आसानी रहती है चेक करने में। अच्छा, इसके आंसर लिखे हुए जी, एक 0.01 मिली एम्पेयर, 0.01 मिली एम्पेयर, ये इसका आंसर है, ये वाला हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब बाय चांस अगर ये फाइंड करना है, तो वो दो से वो भी करना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं जी आप, ओहो 14.2 आंसर दो होने चाहिए। अच्छा जी, दो ही हैं जी, मैंने गलत ही आंसर लिख दिया, तो इसको रब कर लेते हैं। मैंने 14.3 का आंसर लिख दिया, अच्छा जी, इसको रब कर दिया। अब हम लिखते हैं इसके आंसर, वो निकलेगा, एक पहला निकलेगा 1.2 × 10⁻⁴, और एक निकलेगा जी 1.2, ठीक है, × 10⁻⁴ कितना है जी? -2, ठीक है। और पहले का कितना है जी? पहले का जी -4 ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो आंसर इसके, ठीक है। अब इसमें क्या चक्कर हो रहा है जी? इसमें ये चक्कर हो रहा है कि फर्ज करो कि आपने बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल को टच कर दिया जब आपकी बॉडी ड्राई थी, तो जारी बात है आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ से करंट एंटर होगा, दूसरी तरफ एग्जिट करना शुरू कर देगा, और प्लस से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने करंट फाइंड करना है कि आपके अंदर से कितना करंट जाता है। तो फॉर्मूला आपको पता हो, ओम्स लॉ क्या था? वी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या था? ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज लगा दो। वोल्टेज कितनी थी? 12। करंट आपने क्या करना है? फाइंड करना है। और ये कितना दिया हुआ आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो 12, ठीक है, ओवर 100,000 आ जाएगा जी। ये किसकी वैल्यू आएगी? आई की। या आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁵। अब आपके पास एम्पेयर भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, साइंटिफिक में लिखना चाहो तो ये फिर क्या आ जाएगा? 1.2, एक डिग्री डेसिमल हमने इधर रिमूव कर दिया, × 10 करेंगे, ठीक है। और इधर आपके पास 10⁻⁵ आएगा। जब इसको आप फर्दर प्रोसीड करोगे तो 1.4 × 10⁻⁵, ये +1 थी, +1 − 5 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर, ठीक है जी। समझ लगी बात की? क्या किया मैंने? इधर वैल्यू में देखा तो वीडियो बन रही कि नहीं, पीछे नज़र आ रहा है, थोड़ा स्लांटिंग है लेकिन नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से शायद हम बिलो स्क्रीन चलेंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है। एक दो बार दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ लग जाएगी। चलो कर ही देता हूँ साथ साथ। ये आर वन कितना है जी? 100,000 ओम है, ठीक
ठीक है, ये यूनिट सिंबल किसका, ओहम, ठीक है, इसको ओहम की बजाय ये सिंबल देते हैं। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, उसके बाद आपको जो बैटरी लगी है वो है 12 वोल्ट की, और जो करंट है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया हम क्लॉक के तहत, बीज को टाइगर लगाया, ठीक है, तो हमने I1 फाइंड करना है, तो इसको I1 कर लेते हैं, ठीक है, इसको I1 कर लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं, ठीक है, I1 हो गया जी, I1 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 I1, ठीक है, हमने I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो वी की वैल्यू थी 12, R1 की थी 100,000, ये उधर जा करेगा डिवाइड, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 10^-5 हो जाएगी, 10^5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 0 है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको साइंटिफिक में लिखा, क्योंकि बुक में आंसर -4 में दिया हुआ है, तो साइंटिफिक में लिखोगे तो क्या रहेगा, 1 डिग्री इधर आओगे, ठीक है, तो प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10^1, और 1 और -5 को जब सॉल्व करोगे तो -4 आ जाएगा, डन। अब इसको करते नहीं, इसमें क्या जी, इसमें हमारे पास दिया हुआ वही आपने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही है, V=IR, इधर क्या होगा I2 R2 आपने लेना है, तो वोल्टेज वही है, बैटरी को सेम रही है। अब I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, I2 तो फाइंड करना है जी, ठीक है, जब आपकी बॉडी गीली थी तो उस वक्त रेजिस्टेंस आपकी कम हो गई थी 100 टाइम्स, ठीक है, तो ये उधर जा क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है, यही प्रोसीजर उधर किया हुआ है, यही प्रोसीजर इधर भी किया हुआ, उधर I1 लिखा, इधर I2 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 12 × 10^2, ये 1000 का मतलब 10^3 है, ऊपर गई तो -3 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइंटिफिक में लिखना है, तो 1.2 × 10^1 डेसिमल यहाँ पे ना, तो 1 डिग्री हमने ट्रेवल कराया इधर, जब इधर ट्रेवल कराते हैं तो 10^+1 लगाते हैं, ठीक है, × 10^-3 = I2 हो गया जी। अब I2 को लिख लो तो ये रहेगा 1.2 × 10^2 कितनी आ जाएगी, 1 - 3, I2 की जो बेसिक वैल्यू आ जाएगी 1.2 × 10^-2, ठीक है, ये एम्पेयर आएगा, इसका भी यूनिट एम्पेयर है। ये आपके पास दोनों आंसर्स मैच कर गए, आप बुक से भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी है, सिर्फ वैल्यूज किसके फर्क है, रेजिस्टेंस की, इधर 1 लाख रेजिस्टेंस है और इधर 1000 है, ठीक है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, ले जी, अब नेक्स्ट करते हैं जी, इसको करते हैं रब, ठीक है, चलो जी, ये जब बोर्ड बनाते हैं ना, हालांकि उनको पता होना चाहिए कि ये बोर्ड स्टैंड के साथ अगर यूज कर रहे हैं तो ये बहुत शेकी होगा, इसमें बोर्ड वालों की तो गलती नहीं है, जिन्होंने स्टैंड बनाया ना उन्होंने ज़्यादा इसके अंदर साइंस अप्लाई नहीं किया हुआ, पाकिस्तान में क्वालिटी का रुझान रहता है, मुश्किल रहती, ठीक है, तो बस चीज़ बनाओ और बेचो, क्या होना क्या नहीं होना बाद में देखी जाएगी, इस तरह की सोच है, इस वजह से हम लोग ऐसे रहते हैं, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, ठीक है, चलो जी, कोशिश करते हैं कि हम अपना जो रोल है वो अच्छा प्ले करें, ठीक है, जो जिसने करना है वो उसने वही भरना है, चलो जी, 14.3, ठीक है, अमेरिकन नंबर 14.3, क्या लिखा हुआ जी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 MΩ, रेजिस्टेंस दी हुई जी, रेजिस्टेंस आर से डिनोट होती है, वो 10 M और ओहम, ठीक है, ये वाला यूनिट। उसके बाद आपके पास क्या है जी, अच्छा जी, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, वी भी दिया जी, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दी हुई, 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर, आपने जी करंट फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन करना है किसमें, मिली एम्पेयर्स में, और इसका आंसर है 0.01 mA, चले जी कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक दफा दोबारा पढ़ देता हूँ आपको, इधर लिखा है 14.3, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 MΩ, ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर, और आंसर इसका 0.01 mA है, कर लेते हैं, मिनट लगना है इसमें, आपको पता है ये तो बहुत ही आसान है,
क्योंकि ये वी दिया हुआ है और ये क्या दिया आर, ये क्या चीज़ होती है वी वोल्टेज। ठीक है, तो आपके पास वही फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर जो अभी हमने पिछले भी किया। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है जी 100। ठीक है जी, आई आपने क्या करना है फाइंड करना है और आर की कितनी है जी, अब ये 10 मेगा ओम है तो 10 × 10^10 क्या आएगी +6 ओम। ठीक है, कितना देगा मेगा का मतलब 10^+6। अगर आप जाते हो प्रीफिक्सेस वाले चैप्टर फिजिक्स के उधर ये वैल्यूज लिखी हुई है, हम क्या लिखेंगे जी 10 × 10^6 ओम। ओम लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ब्रैकेट लगाओ, यूनिट सीधे एंड पे लगाया करो। ठीक है, चलो अब इसको फर्दर करते हैं, तो क्या आ जाएगा ये जाएगा उधर डिवाइड होएगा तो हम लिख सकते हैं आई विल बी इक्वल टू 100। ये क्योंकि उधर गया इसको डिवाइड करेंगे 10 × 10^6। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं ये लिख देते थे हम जी 100 को इससे काट दो तो ऊपर 10 आ जाएगा, देखो 10 1 जार और 10 10 जार डन। नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 10^6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 बना दिए 10^6। हमने क्योंकि आंसर मिली में देना है इस वजह से और 0.01 में देना है इस वजह से। ठीक है जी, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, हम करते हैं ये इसको ऐसे करके ठीक है आगे चलाने शुरू कर देते हैं। अब ये आएगी आपके पास क्या 10 को हमने देना है 3 0। चलो तो हम इस तरह करते हैं 10 ठीक है ओवर 1000 अलग कर देते हैं और ये 1000 अलग कर देते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने 1 2 3 1 2 3 ये जो 3 थे मैंने इसको 10^3 कर दिया और ये जो 3 थे इसको 1000 लिख दिया। और जब आप 10 को डिवाइड करते हैं इससे तो आपने 3 के बाद डेसिमल लगाना है, कितने बार 3 के बाद, 1 2 दिया हुआ है ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा इधर आपका डेसिमल लग जाएगा और क्या देगा जी 10^3। समझ बात की, इनको मैंने दोनों को क्या कर दिया कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दिया, 10 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, ये आएगा जी 0.01। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 10^-3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एम्पेयर्स लिख सकते हो, अगर आप चाहो मिली एम्पेयर्स में लिखना तो 0.01 जो 10^-3 है इसको मिली एम्पेयर लिख सकते हो। ठीक है, एकदम एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा क्या है था इसमें, एक रेजिस्टेंस थी 10 मेगा ओम की, मेगा का मतलब 10^+6 होती है, तो ये 10 आया 10^+6 आया ओम आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का दिया था भी। ठीक है, करंट हमने फाइंड करना था तो वी इक्वल टू क्या लगाया आई आर। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है, वो प्लेस कर दी, आई आपने फाइंड करना है और ये हमने 10^6 यहाँ से उठा के लगा दी। ठीक है, यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट सेंट पर लिखा करो, शुरू में लिखा करो, बस बहुत है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया जी, ये इस तरफ आई के साथ क्या आ रहा मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो 100 नीचे नहीं आएगा, ये इसके नीचे जाएगा। बच्चे ये गलती कर देते, बाई चांस मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने इसको इसके साथ जाके डिवाइड कर दिया, उसके बाद 10 1 10 10 100 हो गया, तो ये 10 ओवर ये आ गया। अब ये 10^6 को मैंने स्प्लिट कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसको मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया, 1000 अलग कर दिया, 1000 अलग कर दिया। ठीक है, ये वाला जो 1000 है ये इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे आप तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऊपर जाएगा 10^ क्या आएगी -3, तो इस तरह से आपके पास करंट की वैल्यू आएगी 0.01 मिली एम्पेयर, क्योंकि 10^-3 क्या है मिली एम्पेयर। ठीक है, इसको करते हैं रब और नेक्स्ट करते हैं जी। ठीक है, चलो जी, आसान है, बहुत बहुत आसान है, सिर्फ ये कि आपने अच्छे से इसको नोट करना है। ठीक है, बार बार इसको जहाँ प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि आप इसको रिपीट करके बार बार देख सकते हो। ठीक है, ये बड़ा एडवांटेज होता है ऑनलाइन का कि आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो क्लास में तो एक ही चांस होता है, टीचर अगर आगे चला जाए तो फिर आप उसको ही बातें मिस कर जाते हो। ठीक है, ऑनलाइन का ये फायदा होता है कि आपको ज़रा समय लग जाती है। ठीक है जी, बार बार रिमाइंड करने से। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट, मुझे लगता है नेक्स्ट करने के लिए हमें इसमें 3 मार्कर्स हमने कर दिए, तो नेक्स्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलो जी।